नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ एनर्जी एंड रेजिलिएंस का, जो कि टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ऑब्जर्व एनर्जी व्हेन इलास्टिकली डिफॉर्म एंड रिटेन इट्स व्हेन इज अनलोडेड इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी, रेजिलिएंस, प्लास्टिसिटी, स्ट्रेन रेजिस्टेंस। तो करेक्ट आंसर है बी, रेजिलिएंस। द रेजिलिएंस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ऑब्जर्व एनर्जी वैन इलास्टिकली डिफॉर्म एंड रिटर्न इट। इलास्टिसिटी इज ए प्रॉपर्टी बाय विच एनी बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। मेलेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय विच एनी मटेरियल कैन बी टर्न इंटू ए थिन शीट्स। तो दोस्तों, इस बहाने आपके तीन क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं और एक क्वेश्चन आपका प्लास्टिसिटी का भी तैयार हो जाता है। तो डेफिनेशन के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और कम से कम दो या तीन क्वेश्चन तो आपको पेपर में मिलेंगे मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मैथमेटिकली एक्सप्रेशन फॉर रेजिलिएंस यू इज एक्सपेक्ट। डायरेक्टली आपसे फॉर्मूला किया गया है कि रेजिलिएंस अपन जानते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी होती है स्टोर इन ए स्पेस में या बॉडी, ठीक है। तो उसको एक्सप्रेस करते हैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू ई इंटू वॉल्यूम से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, रेजिलिएंस ऑफ मटीरियल प्ले इंपॉर्टेंट रोल ऑन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। किसमें रेजिलिएंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? थर्मल स्ट्रेस में, शॉक लोडिंग में, फटिक में एंड प्योर स्टैटिक लोडिंग में। तो इसका करेक्ट आंसर है शॉक लोडिंग में। द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए बॉडी इज कॉमनली नोन एज ए रेजिलिएंस। व्हेन एवर द स्ट्रेनिंग फोर्स इज रिमूव फ्रॉम द स्ट्रेन बॉडी, द बॉडी इज केपेबल टू डूइंग वर्क। हैंस द रेजिलिएंस इज ऑल्सो डिफाइन द कैपेसिटी ऑफ स्ट्रेन बॉडी फॉर डूइंग वर्क ऑन द रिमूविंग ऑफ स्ट्रेनिंग फोर्स। तो इस तरह का क्या क्या हो गया आपका? शॉकिंग लोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी एल क्यूब अपॉन थ्री ई आई इज ए डिफ्लेक्शन अंडर द लोड ऑफ पी ऑफ ए कैंटिलीवर बीम, व्हाट विल बी द स्ट्रेन एनर्जी। तो सिंपली ये एक फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन बन चुका है। अपन जानते हैं स्ट्रेन एनर्जी को अपन लिखते हैं एवरेज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट इसमें दिया गया है, आपको वैल्यू पुटअप करनी है फॉर्मूले में, तो अपने पास करेक्ट आंसर आ जाएगा पी स्क्वायर एल क्यूब अपॉन सिक्स ई आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ए मटेरियल ऑफ यंग मॉडुलस एंड पॉइजनस रेशियो ऑफ यूनिटी इज सब्जेक्टेड टू प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा वन एंड सिग्मा टू एट ए पॉइंट इन टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम। द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल इज एक्सप्रेस बाय। तो ये भी सिंपली स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूले बेस्ड है। फॉर्मूले में दो बॉडी के कंपेरिजन में निकालना है, तो वो होता है सिग्मा वन एप्सिलॉन वन प्लस सिग्मा टू एप्सिलॉन टू अपॉन टू ए। तो अपन वैल्यू पुटअप कर लेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास ए। इफ़ फोर्स पी पी एंड पी ऑफ ए सिस्टम आर सच दैट द फोर्स पॉलीगन डज नॉट क्लोज देन द सिस्टम विल बी। तो इसका करेक्ट आंसर है नॉट इन द इक्विलिब्रियम। द फोर्स आर नो को करेंट सो दैट द रिजल्टेंट फोर्स एंड कपल बोथ मे बी प्रेजेंट, दस द बेस चॉइस ऑफ फोर्स आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम स्ट्रेस इंट्रोड्यूस ड्यू टू द सडन लोडिंग टू मैक्सिमम स्ट्रेस द कैजुअल लोडिंग। आपसे इसमें क्या है, एक रिलेशन पूछा गया है कि मैक्सिमम स्ट्रेस जो सडन लोडिंग में होता है और ग्रेजुअल लोडिंग में क्या रिलेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है टू टाइम्स होता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। द मैक्सिमम स्ट्रेस इन सडन लोडिंग इज ट्वाइस टू द मैक्सिमम स्ट्रेस इन ग्रेजुअल लोडिंग। दोस्तों, इसमें आपको ध्यान रखना है, आप किसी भी टेक्स्ट बुक के रेफरेंस से सडन लोडिंग में मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू, ग्रेजुअल लोडिंग में मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए टेंसाइल लोड ऑफ 60 किलो न्यूटन इज सडनली अप्लाई टू ए सर्कुलर बार ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड 5 मीटर लेंथ, व्हाट विल बी द स्ट्रेन एनर्जी ऑब्जर्व बाय रॉड इफ इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। द करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। ये सिंपली फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन है जिसमें स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e into volume। formula calculate कर लेंगे तो आपके पास correct answer आ जाएगा D। what will be the stress introduced in the load if the height through which a load is dropped is 0। तो इसका correct answer है B, 2p upon a। simply ये formula आता है जब अपन को drop वाली equations दी होती, p by a into 1 plus 2ae upon pl का under root। जब अपन को drop h equal to 0 दे रखा है, simply value में put up कर देंगे तो आपके पास correct answer आ जाएगा B, 2p अपॉन ए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक शेयर करना
ना भूलें। और यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।